नाम वेबस्टर डेविस है। मैं मिसौरी का एक रिटायर फौजी और किसान हूं। मैं भारतीय किसानों को बताना चाहूंगा कि मुझे उन पर बहुत फक्र है। उनका फैसला बिल्कुल जायज है। हम भी भारत के किसानों के एकदम साथ हैं। हम उनके संघर्ष को समझते हैं और उनके मुश्किलों को भी। हम भारत के किसानों पर बहुत गर्व करते हैं, जो अपने हक के लिए, जो अपनी इज्जत के लिए सरकार के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। मुझे फख्र होता है भारत के किसानों पर। अमेरिका में तो विरोध करने के लिए किसान ही नहीं बचे हैं। मैं भारतीय किसानों की दाद देता हूं कि आपने अपनी आवाज बुलंद की है। मैं एक युवा किसान और ईंट मजदूर भी हूं। हिंदुस्तान के लोगों को मेरा कहना है कि कायम रहो, आप जीतोगे, एकजुट रहो। मेरा भारत के लोगों को यही संदेश है कि अपना संघर्ष जारी रखो और अपनी खेत खलियान अपने हाथ में रखो। मेरा संदेश किसानों के लिए यही है कि आप अपना संघर्ष जारी रखो। हमारी लड़ाई एक ही है, हम आपके साथ हैं। यही एक मौका है। एक बार कंपनियां घुस गए तो वो और मजबूत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। अमेरिका में ऐसा ही हुआ है। कॉरपोरेशंस आपका भला करेंगी, ऐसी बकवास पे यकीन मत करना। ऐसे झूठे सपने वो हमें सालों से दिखाते आ रहे हैं। हम दुनिया का पेट भरते हैं। अजीब बात है, मिसौरी में हर 5 में से एक बच्चा भूखा सोता है, वो उसे क्यों नहीं खिलाते? अमेरिका में किसान मुश्किल से ही गुजारा कर रहे हैं। जिस राह पर सरकार कंपनियां जा रही हैं, वो हम भुगत चुके हैं। हमारे किसान ये सब देख चुके हैं, इसलिए वे भारत के किसानों को सावधान करना चाहते हैं कि ऐसा मत होने दें। सच बात तो ये है कि अमेरिकी किसान मायूस हो चुका है, उन्हें कुचल दिया गया है, वो थक चुके हैं। भारत की तरह यहाँ भी वो खुदकुशी कर रहे हैं। जो बचे खुचे किसान हैं, वो कंपनियों से डर कर रहते हैं। वो खेती की सामग्री उन्हीं से लेते हैं और अपनी फसल भी उन्हीं को बेचते हैं। अगर कुछ कहते हैं तो उनसे बदला लिया जाता है। ये खुद मेरे साथ हुआ है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के लिए भारतीय किसानों की जंग वही है जो यहाँ हमारी भी है। मैं किसानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम चाहते हैं कि वो यहाँ आए और हमें इसका महत्व समझाए। इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि वहाँ औरतें भी इतनी भारी गिनती में शामिल हैं। अपना घर बार, अपने बच्चे छोड़कर मोर्चे में आना आसान नहीं, खासकर जब आप पर इतनी जिम्मेदारियां हों। मैं मिजूरी का प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुका हूँ। जो नेता कहते हैं कि इन कानूनों को हम थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, उनका भरोसा मत करना, बिल्कुल ही मत करना। हाँ, वो रोक तो लेंगे, पर जब आप सो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, वो फिर से लागू कर देंगे। बस फंस गए, फंस मत जाना। संघर्ष जारी रखें, पीछे मत हटे, लड़ते रहो, जंग जारी रखो, कायम रहो। अपना संघर्ष दुनिया में फैला दो, लोगों को उम्मीद से भर दो। आपको आपका संघर्ष मुबारक। लड़ते रहो और पीछे मत हटो।